ट्रांसमिशन की आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते वक्त मॉरिस जजोरी इस बात पर गौर नहीं किया कि वक्त बैंक 1995 की दफा 104 ए और 51 के मुताबिक मस्जिद के जरिए एक्सचेंज या ट्रांसफर को मुकम्मल तौर पर मना किया गया है। ये वक्त की जो आर्टिकल बयाना रहती है उसमें किसी मस्जिद की जमीन को न एक्सचेंज किया जा सकता है न ट्रांसफर किया जा सकता है। मना किया गया है तो वक्त एक्ट के दर्ज इस कानूनी मुकिस कानूनी रोड यानी पाबंदी को दस्तूर की दफा 142 के तहत मस्जिद की जमीन के बदले में दूसरी जमीन ऐसे दी जा सकती है जबकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने दीगर फैसलों में सुप्रीम कोर्ट के और जो फैसले दिए इससे पहले मैं ये बात वादे कर दी है दफा 142 के अख्तियार मस्जिद जनों के लिए लामहदूद नहीं है अनलिमिटेड नहीं है। मस्जिद आमदानी मजकूरा पहलुओं पर गौर करने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मजकूरा और दीगर अपरेंट एरर होने की वजह से रिव्यू कमीशन दाखिल दरखास्त दाखिल करने का फैसला किया। I saw a statement from a gentleman in Hyderabad saying that he will not accept 5 acres of land. That gentleman is not a party to the litigation. Nobody is giving any land to him. So therefore, these are third party statements. In any case, the judgment is sound. It has been signed by all the 5 judges with unanimity. And therefore, there is some shadow boxing going on, trying to convey to the followers that the fight is somehow still on. This is unfortunate. It would have been better if the judgment had been accepted with dignity. I do not see any possibility of a review succeeding. And I feel that the decision to build a grand temple of the Lord at his birthplace is now final.